भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वह सामाजिक न्याय की प्रतीक है, समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। योगी सबका साथ सबका विश्वास और सबके विकास की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ सामाजिक न्याय की बात करते हैं। योगी ने सामाजिक न्याय की बात की है तो हम भी दोहरा देते हैं, सामाजिक न्याय का उसूल है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन योगी शायद सामाजिक न्याय की अलग ही परिभाषा निकाल रहे हैं। योगी ने चंद जातियों को उनकी आबादी के लिहाज से भी कई गुना ज्यादा टिकट बांट दिए हैं। देखिए क्या है बीजेपी के अब तक घोषित हुए उम्मीदवारों का जातीय समीकरण। बीजेपी अब तक 107 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 43% सवर्णों को टिकट दिया है। बीजेपी पहले और दूसरे चरण की 107 सीटों में से 17 सीटों पर ठाकुर, 10 सीटों पर ब्राह्मण, 8 सीटों पर वैश्य, 3 पर पंजाबी, 2 पर त्यागी और 2 कायस्थ वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। यानी महज 15% आबादी वाले सवर्णों को 44% टिकट दिए जा चुके हैं। बीजेपी ने अब तक सिर्फ 16 जाट, 7 गुज्जर, 6 लोधी, 5 सैनी, 2 शाक्य, 1 खड़ागवंशी, 1 मौर्य, 1 कुर्मी, 1 कुशवाहा, 1 प्रजापति, 1 यादव और 1 निषाद वर्ग के उम्मीदवार को टिकट दी है। अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की बात करें तो 13 उम्मीदवार जाटो वर्ग से हैं, 2 वाल्मीकि, 1 बंजारा, 1 धोबी, 1 पासी और 1 सोनकर वर्ग से है। अब सवाल उठता है कि योगी किस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं? क्या आबादी के लिहाज से दलितों पिछड़ों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।